Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. दोस्तों, क्या आपको thin and lightweight phone पसंद है? I personally prefer the feel thin, light and comfortable phone, जो hold करने में और carry करने में काफ़ी convenient हो, लॉन्ग टाइम तक फ़ोन को होल्ड भी कर सकें। तो ऐसे ही फ़ोन का आज मैं रिव्यू बताने वाला हूँ, वीवो V29, जो 4 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और फ़ोन का लुक एंड फील फ्लैक्सिप मिलते हैं। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिवअवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दें और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ फील एंड लाइटनेस, वीवो V29 सुपर फोन है। फ़ोन का अपीयरेंस भी काफ़ी स्टाइलिश मिल जाता है। मिड रेंज फोन से थोड़ा ऊपर के मार्केट में ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, तो क्या ये फ़ोन लेना चाहिए? वैसे डिज़ाइन में वीवो की V27 सीरीज जैसा सिमिलर है और वीवो की वी सीरीज लुक में एज ऑलवेज स्टनिंग होती है। डिज़ाइन के मामले में इस बार थोड़े बहुत एलिमेंट्स इस फ़ोन में ऐड किए गए हैं। वैसे ये माउंटेन या तो सी ग्रीन कलर कह सकते हैं, लेकिन विजुअली ये ब्लू कलर जैसा लगता है। लुक्स पर्टिकुलरली रिफ्रेशिंग। फोन के पैक में वार्म एंड सिरेमिक लाइक टेक्सचर्स मिल जाते हैं। वैसे ये सिंगल कलर भी नहीं है, वीवो ने बैक में पार्टिकल इंक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। बैक में ग्लिटर एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं, साथ में वाइट पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं। विजुअली माउंटेन्स एंड रिवर की फील भी मिलती है। एलिमेंट्स को देख के कभी कभी इंक पेंटिंग जैसा भी लगता है। ऑल ओवर लुक्स में एलिगेंट देखने को मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वेट, फोन का वेट 186 ग्राम्स का है और थिकनेस 7.46 mm की है। इन टर्म्स ऑफ लाइटनेस एंड थिननेस, वीवो V29 इस सेगमेंट का वन ऑफ द थिनेस्ट फोन होगा। काफ़ी थिन फोन है और फोन में फ्रंट और बैक में हाइपरबोलाइड डिज़ाइन मिल जाती है। फोन में कैमरा मॉड्यूल की डिज़ाइन देखे तो प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में इस बार न्यू रिंग सॉफ्ट लाइट मिल जाती है, जो कैमरा लेंस के नीचे प्लेस्ड की गई है। इस बार रिंग लाइट की साइज और ब्राइटनेस में अपग्रेड मिलता है। इस लाइट का ल्यूमिनस एरिया ऑर्डिनरी फ्लैश लाइट के कंपेयर में 9 times ज्यादा मिलता है। यहाँ पे 360 डिग्री यूनिफॉर्म लाइट मिल जाती है। इस लाइट में वार्म एंड कोल्ड लाइट सपोर्ट भी मिलता है। अगर डार्क एनवायरनमेंट में सूट करते हैं तो ब्राइट लाइट एक्सपीरियंस मिल जाएगा और इस लाइट की कलर पैटर्न भी एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होती है। तो अगर पोर्ट्रेट शॉट क्लिक करते हैं तो फोटोज़ में एनवायरनमेंट के हिसाब से लाइट मिल जाएगी, यानी डार्क एनवायरनमेंट में भी नेचुरल फोटोज़ मिलेगी। फ़ोन में प्राइमरी 50 megapixel का मेन कैमरा मिलता है। सेंसर साइज 1x1.56 inch की मिलती है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट भी मिलता है। एक्चुअल शूटिंग में इसी लेंस का यूज़ होता है। कैमरा में कलर रिप्रोडक्शन एबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, सिंपल फोटोज देख सकते हैं। Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief, there's something that'll have what you need, we're broken, it's tragic. फ़ोन में सेल्फी के लिए भी 50 megapixel का कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में भी ड्यूल LED फ्लैश मिलती है। फ़ोटोज़ में अल्ट्रा हाई पिक्सल मिलेंगे और फोटोज़ भी क्लियर मिलेंगे, सेल्फी में भी विविड लुक्स मिल जाएगा। वीवो V29 में डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच की यूज OLED डिस्प्ले मिलती है। रिजोल्यूशन 1.5K का मिल जाता है और रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज की मिलेगी और डिस्प्ले में 1 बिलियन से ज़्यादा कलर्स मिल जाते हैं, तो नेचुरल कलर्स देखने को मिलेंगे। स्क्रीन में क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले में पिक्सल डेंसिटी भी 452 PPI की मिलती है। डिस्प्ले में काफ़ी अच्छी इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस लेवल भी 1300 निट्स तक मिलेगी, साथ में 100% DCI-P3 कलर गमुट भी मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले में कलर नेचुरल एंड कंफर्टेबल मिल जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ आई प्रोटेक्शन, डिस्प्ले में 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग फीचर भी मिलता है। हाई फ्रिक्वेंसी डिमिंग और कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट मिलता है। दिस डिस्प्ले इज वेरी फ्रेंडली टू आवर आईज। तो डिस्प्ले के मामले में तो फ़ोन ढांसू है। वीवो V29 में परफॉर्मेंस की बात करें तो फ़ोन में स्नैपड्रैगन 778G ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है। इस प्रोसेसर में परफॉर्मेंस और पावर कंजम्पशन बैलेंस मिलता है। डेली यूज़ के लिए तो मोर देन इनफ मिलता है। इवन इस फोन में मेन स्ट्रीम गेम भी खेल सकते हैं, अच्छी गेम इफेक्ट्स मिल जाती है। फ्रेम रेट परफॉर्मेंस भी एवरेज मिल जाता है। वीवो V29 में बैटरी की बात करें तो 4600 mAh की बैटरी मिलती है और 80W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। एक्चुअल यूज़ में 4600 mAh की बैटरी
सफिशियंट है। मीडियम टू हैवी यूज़ करने के बाद भी बैटरी एक दिन आसानी से चलती है, कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है। और 80 वॉट की चार्जिंग एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है, बैटरी को 30 मिनट्स में ही 70% तक चार्ज कर सकते हैं। सडनली बैटरी खत्म हो जाती है तो इस चार्जर से बैटरी को क्विकली चार्ज कर सकते हैं। कंक्लूजन पे आए तो वीवो V29 5G फोन मिड सेगमेंट प्राइस रेंज में आने वाला है। फोन डिजाइन में सुपर्ब होने वाला है और थिननेस और लाइट वेट की वजह से फोन काफी हैंडी भी है। कैमरा भी अबव एवरेज मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी एवरेज मिलेगा। इंडिया में वीवो V29 5G की जो प्राइस है वो 25,000 के अराउंड आ सकती है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं वीवो V29 5G के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों फोन की एक्सेक्ट प्राइस जानने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it.